जी अस्सलाम वालेकुम, आतिफ पंगेश अपनी 50th एपिसोड के साथ। और मुझे ये आज मैंने सोचा कि 50th एपिसोड है तो ज़रा कुछ बाहर बना लेते हैं। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ करीब ही एक छोटा सा पार्क है, उसमें जाके इधर डबलिन में, और अभी यहाँ की थोड़ी बहुत मैं आपको चीज़ें भी दिखाऊंगा। बड़ा खूबसूरत है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और अच्छा माहौल है। आज मौसम भी अच्छा था, आयरलैंड में ज़्यादातर बादल रहते हैं, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ बाहर आ चुकी है तो थोड़ा सा सूरज निकलना शुरू हो गया है और अच्छा लगता है। और यहाँ तभी सब लोग बाहर निकले हुए हैं और अपने अपना एंजॉय कर रहे हैं सन को। अब कुछ 50th एपिसोड के हवाले से, क्योंकि मैं अपने टॉपिक से नहीं हटूंगा पीछे, तो आप भी कहेंगे कि इतने अच्छी जगह पर है और फिर भी वही खुश्क और बोरिंग सा सब्जेक्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो लेकिन क्या करें। अभी कुछ खबरें मैंने देखी थी कुछ इस किस्म की कि पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा कोई टिकटॉक पे बैन लगा दिया। देखें, ये बैन्स वगैरह लगते रहेंगे और खुलते रहेंगे और सिर्फ ख़बरों में रहने के लिए सिंबॉलिक डिसीजंस होते हैं मेरे लिहाज से। इसमें ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ ऐसा कर सकती है, क्योंकि इट्स इंटरनेशनल, एक बाहर की एक कंपनी है और वो एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी उन्होंने लॉन्च की भी है वर्ल्ड वाइड और वो चलती रहेगी। किसी एक कंपनी की खातिर वो कोई अपना कोई मेजर चेंजेस नहीं लेकर आएंगे किसी एक मुल्क की खातिर आपका। और सबसे अहम चीज़ ये होती है, ये इजादात और ये टेक्नोलॉजी आगे से आगे बढ़ती जाएगी इसी तरीके से, लेकिन हमें ख़ुद उसका इस्तेमाल अच्छा है या बुरा है वो उसके इस्तेमाल पे होता है। जैसे दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी आई ना, गाड़ी आया, साइकिल आई, टीवी आया, वीसीआर आया और रेडियो आया, जो भी आया, और अब जो है ये सोशल मीडिया है और इस किस्म की इंटरेक्शन लोगों की आपस में बढ़ती जा रही है। अब उसमें हर किस्म की चीज़ें आएंगी और ये अब आप पे डिपेंड करता है और आपकी अपने घर की तरबियत, क्योंकि तरबियत स्टार्ट होती है घर से, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि मैं ठीक है, हर कोई इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि अनएथिकल चीज़ें इस पर नहीं आनी चाहिए, तो उसका मतलब ये भी होता है कि जो लड़का या लड़की इस किस्म का कंटेंट बना रही है और ऊपर चढ़ा रही है, तो वो उसकी खुद उसके जिस घर से, जिस कमरे से, जिस चारदीवारी से वो ऑनलाइन आ रही है, सबसे पहले तो उस चारदीवारी में जो रहने वाले दूसरे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि उसको इससे रोकें। किसी फिर उसकी अपनी भी कुछ उसमें इस किस्म की सेल्फ रिस्पेक्ट और ये चीज़ें होनी चाहिए कि आया वो खुद इसको गलत या सही या समझे, और अगर वो इसको सही समझता है या समझती है तो फिर उसके बाद ये होता है कि जो उसको देख रहे हैं पूरी दुनिया में लोग उसको अप्रिशिएट करें या ना करें, या तो उसको बिल्कुल लाइक्स वगैरह ना मिलें, उसको कोई कमेंट्स ना मिलें, उसको डिस्करेजमेंट हो कि जो वो कर रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं है या कर रहा है। तो इस सिलसिले में ये इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं, इनको आप नहीं रोक सकते। ये फेसबुक पे भी हो सकते हैं, ये इसमें किसी भी सोशल मीडिया में, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक्ट्स हैं, इसमें टेक्नोलॉजी ज़िम्मेदार नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी। अगर आप इस किस्म का कॉन्टेंट फेसबुक में ढूंढेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा और वहाँ पे भी इससे कहीं ज़्यादा लोग इस किस्म की हरकत करने में कर रहे हैं और उनको ढूंढा जा सकता है जिन्होंने देखना है, और YouTube पे भी है। तो ये टेक्नोलॉजी है, इनकी इस्तेमाल गलत भी है सही भी है, अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ देखनी है, किस चीज़ को प्रमोट करना है और क्या चीज़ करना है। तो इस किस्म के इसमें परेशानी होने की बात नहीं है, ये सिंबॉलिक डिसीजंस हैं, ये होते रहेंगे। ना ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें कुछ कर सकती है, ना कोई कंपनी इंटरनेशनल है उसको आप कहते रहें। टेक्निकली ये चीज़ समझ में नहीं आती कि या तो आप बिल्कुल सर्विस को कट ऑफ कर सकते हैं और आप आइसोलेट होके बैठ जाएं, जैसे पहले भी YouTube को भी बहुत अरसा रखा गया और फिर इन दी एंड
जब वापस टेक्नोलॉजी ऑन एयर होती है ना, तो उस वक्त ज़्यादा लम्हा फिक्रिया होता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी माशरे के लिए, कि जिन बुनियादों पर आपने उसको बंद किया था, तो क्या अब वो जो बुनियादें हैं वो ख़त्म हो गई या अब वो इश्यूज़ ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं होता। तो इस किस्म के मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिंबॉलिक हैं, जस्ट टू रेज अवेयरनेस के लोग इसका इस्तेमाल सही करें। तो ये सबसे अहम अदारा जो इसको इन चीज़ों को रोक सकता है वो घर है। जिन घरों से, जिन चार दीवारियों से ये चीज़ें डेवलप होती हैं, उनको ख़ुद उनकी ज़िम्मेदारी है और इंडिविजुअल की ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो क्या क्या कर रहा है या कर रही है। तो इस पे ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ अरसे में दोबारा खुल जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरा इशू जो मुझे आजकल नज़र आ रहा है वो टैक्सेशन का है, कि FBR ने कोई टैक्सेशन इम्प्लीमेंट कर दी है फ्रीलांसर्स पे। तो इसकी असल में मैं इसमें कहूँगा कि पाकिस्तान में ना बहुत सारी हाफ कुक चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, जिससे जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, ये हो जाता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि, और ये जो जितने भी फ्रीलांसर लोग हैं ये कोई ना ही कोई चोर हैं, ना डाकू हैं, ना टेररिस्ट हैं, ना कुछ हैं। सबसे अहम बुरी चीज़ जो मुझे इसमें लगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा था इनके लिए, वो कि जी क्रैक डाउन करेगी। क्रैक डाउन किन के ख़िलाफ़ होता है? क्रैक डाउन होता है किसी ऐसे माशरती उनसर के लिए जो कि आपके माशरे के लिए गलत हो, जैसे कि टेररिस्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं। और ये तो लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको आप आपकी इकॉनमी, आपका आपकी मार्केट जॉब नहीं दे सक रही। जो और क्योंकि दुनिया अब ऑनलाइन जा रही है और पेंडेमिक की वजह से ये एक बिल्कुल अब तरीकाकार ही ऐसा है कि अब आपने ऑनलाइन जाना है और अपना काम करना है, पैसे कमाना है। बहुत सारी औरतें देखें जो हमारी औरतें हैं वो घर बैठे ही अच्छा पैसे कमा रही हैं और अच्छी इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो इसमें टैक्सेशन लगाना या ना लगाना वो इशू नहीं है। इशू ये है कि एक चीज़ को सबसे पहले हमारे यहाँ होता ही है, सबसे पहले हुकूमत को और अदारों को ये चाहिए कि कोई एक एक्सेप्टेबल, एक रीज़नेबल तरीक़ाकार, एक फ्रेमवर्क डेवलप कर लिया जाए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। यहाँ पे अभी ना कोई तरीका होता है, ना कुछ होता है और ना ही कोई चीज़ वाजे होती है और उसको पब्लिक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक पैनिक माशरे में आ जाता है। ये सारे पढ़े लिखे लड़के हैं, स्किल्ड लड़के हैं, ये टैक्स भी देना चाहते हैं और अपना काम भी करना चाहते हैं, और उन्होंने जो कुछ अब तक ज़िंदगी में किया है इन फ्रीलांसर्स ने, वो अपनी मदद आपके साथ किया है। इंटरनेट पर हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंटरनेट के अलावा तो कोई ऐसी फैसिलिटी हुकूमत ने इनको दी नहीं है या किसी इदारे ने दी नहीं है कि जिसकी मदद से वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो इंटरनेट वो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेशन वो देते हैं जो कि बिलिंग में इंक्लूड होता है। मैं आपको बताऊँ कि ये जो जिन वेबसाइट्स पर जो पैसे कमाते हैं, उन वेबसाइट्स पर कोई भी ऐसा पेमेंट गेटवे नहीं है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हो। तो अब होता यह है कि ये एक हमेशा से वैक्यूम है, और मैं हमेशा से इसके ऊपर बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स एरा था, जो कि 2001 से लेकर 2020 तक था, ई कॉमर्स एरा हम इसे कहते हैं, वो तो गुजर गया और हम अपने मुल्क में कोई एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे नहीं ला सके। तो ये नाकामी किसकी है? नाकामी किसी की कह रहे हैं, पहले वाली जो हुकूमतें थीं उन्होंने भी बड़े नारे लगाए, जो मौजूदा हुकूमत है वो भी बड़े नारे लगा रही है कि IT में ये बहुत कुछ आगे कर लें। जो फ्रीलांसिंग के थ्रू जो रेमिटेंस आती है और वो बढ़ रही है, पिछले एक साल से पेंडेमिक की वजह से वो बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, वो इसी वजह से जा रही है कि लोग लड़के अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं। और वो और बड़ी अच्छी बात है कि कोई तो किसी तरह भी रेमिटेंस पाकिस्तान में तो आ रही है, तो इसको इनकरेज करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एक फ्रेमवर्क डेवलप हो जाए, तो
उसके बाद इस किस्म की चीज़ों को आउट करना चाहिए। तो देखें, ये अब जैसे क्रैकडाउन बेसिकली जो हो भी रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए हो रहा है, जिन्होंने मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा जिसमें FBR ने जो स्कैम अभी पकड़ा है, तो वो भी इसी किस्म का है। और ये कंपनियाँ क्यों आती हैं इस तरह की जो आपको वायलेट कर रही हैं या कुछ करती हैं? वो इसी वजह से वायलेट करती हैं क्योंकि आपने वैक्यूम एक क्रिएट किया हुआ है जो कि पेमेंट लाने के लिए लड़कों को मुख्तलिफ जुगाड़ें करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ थर्ड पार्टी वॉलेट्स, डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट्स अपने बैंकों तक पहुंचानी, और फिर बैंक वाला उससे पूछता है 10,000 चीज़ें पूछता है कि ये सोर्स ऑफ मनी क्या है और ये क्या है, जहाँ पे ये सारा इशू क्रिएट होता है। तो ये सारा कहने का मकसद ये है कि वैक्यूम है जिसमें अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा और भी डिजिटल वॉलेट कंपनीज जो कि मुख्तलिफ इंटरनेशनली कंपनियों के साथ मिलके अपने डिफरेंट मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड्स और ये कार्ड्स बना लेती हैं और कहीं भी लॉन्च कर लेते हैं और बीच में बहुत सारी फीसेस इंप्लीमेंट करके लड़कों से कमा रहे होते हैं। तो अब आप देखें, अगर इसको मैं और थोड़ा सा एक्सपेंड करूं टेक्निकली, तो आप ये भी देखें कि ये जो लड़के फ्रीलांसिंग में जिन वेबसाइट से, फाइवर से, फ्रीलांसर से या और भी इस तरह की जो है कमा रहे होते हैं, उसमें भी कई किस्म की फीसेस दे रहे होते हैं। और उसके बाद फिर वो जब पेमेंट अपनी उसको कैश आउट करते हैं वहाँ भी पेमेंट्स होती हैं। फिर उसके बाद क्योंकि वो 3 या 4 गेटवेज यूज़ करके बड़ी मुश्किल से पेमेंट पाकिस्तान तक ला रहे होते हैं, तो उसमें उनको कई किस्म की फीसेस देनी पड़ती हैं। तो उनके पास, और अगर फिर यहाँ पे भी उनको टैक्स वगैरह देना पड़ जाए तो फिर उनके पास होगा क्या? ये एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। आपने देखा है कि पिछले एक साल में पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग तकरीबन 47% इंक्रीज़ हुई है, और इस वक्त पाकिस्तान चौथे या पांचवें नंबर पर है फ्रीलांसिंग में। तो और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इंटरनेट फैसिलिटी के अलावा कोई ऐसी और फैसिलिटी मौजूद है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हो इन लड़कों को कि जो ये अपना काम कर रहे हैं। तो उनमें अब होना क्या चाहिए? इसमें टैक्सेशन से कोई इंकार नहीं कर रहा, टैक्सेस होने चाहिए। अगर आप अच्छा हैंडसम कमा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ शेयर नेशन का भी होना चाहिए, मुल्क का भी होना चाहिए, जिससे कोई डेवलपमेंट आगे हो। तो और ये लड़के सारे जैसे मैंने कहा पढ़े लिखे हैं और ये टैक्सेस देना चाहेंगे, रीजनेबल टैक्सेस। तो पहली बात तो ये कि ये होना चाहिए कि कोई एक लिमिट होनी चाहिए कि अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तब आप पे टैक्स अप्लाई हो। और मैंने जहाँ तक भी, मुझे इसका कंप्लीट पता नहीं है, मैंने सुना है कि कोई क्लैरिफिकेशन आई भी है FBR की तरफ से कि कोई 80% जो एग्जम्पशन मौजूद है स्टिल। आई डोंट नो, मुझे इसका मैं भी कुछ कह नहीं सकता, मैं अगर पता लगेगा तो ज़रूर बताऊँगा। तो इसमें सबसे अहम चीज़ फ्रीलांसर्स को मैं ये कहूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि आपने हर पूरा ज़िंदगी फ्रीलांसिंग ही करनी है, आपने भी आगे बढ़ना है, आपने अपनी जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसको और बेहतर से बेहतर करते जाना है। तो बेहतर यह है कि अगर आप एक ख़ास लेवल से ऊपर चले आते हैं और आपको पता है कि अब आपकी बिज़नेस तो आपका जो इनकम है थोड़ी सी इस लेवल से ऊपर जा रही है, और तो फिर सबसे पहली चीज़ आप ये करें कि आप उसको थोड़ा सा शेप अप करने की कोशिश करें अपने बिज़नेस को। और वो कैसे हो सकता है कि आप एज ए सोल प्रोप्राइटर अपने आप को रजिस्टर करवाएं, NTN नंबर हासिल करें। अभी बैंक्स मेरे नहीं ख्याल के कोई फ्रीलांसिंग को एज ए प्रोफेशन आपको अकाउंट खोलते हैं। ये भी एक सजेशन है गवर्नमेंट को कि फ्रीलांसिंग लांसर्स को अकाउंट खोलने दिया जाए और इसी प्रोफेशन के ऊपर, लेकिन ये बड़ा बेसिक है। इस पे आप फिर उसके बाद आप खुद कोशिश करके इसका कोई स्ट्रक्चर कंपनी बनाने की कोशिश करें। आप सोल प्रोप्राइटर कंपनी से स्टार्ट करें। सोल प्रोप्राइटर कंपनी बनाने के लिए आपको एज ए बिजनेस इंडिविजुअल रजिस्टर होना है, NTN हासिल करना है और जाके किसी भी बैंक में, कमर्शियल बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलें। अकाउंट खोलने के बाद आप
अकाउंट के लिए आपको सिर्फ एक अपना एड्रेस, वो चाहे घर का भी हो सकता है, और अपना बिल, यूटिलिटी बिल, और ये सारा दिखाएं और अपना एंटीन हासिल करें एज अ बिजनेस इंडिविजुअल, ठीक है। और उसके बाद आप किसी भी बैंक लेटर भी आपको दें, जो आप जिस बैंक में आपने अकाउंट खोला है वहाँ के मैनेजर से आप एक लेटर ले लें, और कि जी ये साहब जो है ये इस नाम से, क्योंकि आपका जो अकाउंट खुलेगा ना सोलर प्रोप्राइटर से, वो आपके अपने नाम पे होगा, ठीक है। एंटीएन आपका बिजनेस इंडिविजुअल के नाम से होगा, आपकी कंपनी का नाम भी ऊपर आ जाएगा जो भी आपने रखना है। तो ये आपका पहला कदम होगा, आपका बिजनेस शेप अप हो रहा है। उसके बाद फिर आप जो रिबेट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेशन में एज आई टी सर्विसेज और रेमिटेंस वगैरह में, वो अवेल कर सकेंगे। जब तक आप इंडिविजुअल रहेंगे तो आप किसी किस्म की कोई मराहत हासिल नहीं कर सकेंगे। तो एज ए इंडिविजुअल, एज ए बिजनेसमैन, आपने सारी ज़िंदगी फ्रीलांसर तो नहीं रहना, आपने भी थोड़ी सी अपनी कंपनी को शेप अप करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें, जब एक अच्छे लेवल पे आपका बिजनेस पहुंच जाता है तो रजिस्टर करें, सोल प्रोप्राइटर से स्टार्ट करें, या SECP पे जाके एज ए सिंगल ओनर कंपनी रजिस्टर करवा लें और आगे चलें। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है, और टैक्स सर्कल में आ जाएं और एक्टिव उसमें हो जाएं। बाकी ये बागे गवर्नमेंट के काम है कि वो कोई एक ऐसा अच्छा फ्रेमवर्क बनाए जिससे फ्रीलांसर्स को भी मुश्किल ना हो और गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड आता रहे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था, और अगर और भी कोई सजेशंस हैं तो फिर कमेंट में आप दे दें नीचे, तो फिर इस तरह एक मिलजुल के चीज़ बन जाएगी। परेशान होने की बात नहीं है, इस तरह चीज़ें चलनी, शेप अप तो होना है चीज़ों ने। इन एनी केस देखें, पाकिस्तान में ना टैक्सेशंस का हमेशा से बहुत मसला रहा है, तो ये चीज़ें हम फ्रीलांसर्स जो हैं और जितने भी लोग हैं, इनको मुल्क की तरक्की में बराबर हिस्सा लेना है, और कोशिश करें कि हम हुकूमत का साथ दें कि वो इन चीज़ों को रेगुलेट कर सकें। ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।